दोस्तों स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको अनफॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर लगा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस डिस्प्ले, तो आप डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपना वॉलपेपर्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद हो लाइक हो तो आप इस तरीके से यहाँ से जो भी पसंद हो आपको यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि आपको ये वाला लगाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको लोडिंग हो चुका है, यहाँ से आपको फिर से अप्लाई करने देना है। अप्लाई करने के बाद आप लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं। होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन दोनों पर लगाना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।